हाय माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को और किसान भाई को मेरा राम राम। और एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि मिट्टी की गुणवत्ता हम कैसे बढ़ा सकते हैं और एमवे एफसीआईटी का उसमें क्या रोल रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको डेमो दिखाऊंगा एमवे एफसीआईटी का, और एफसीआईटी के साथ में ही जो है खेतों की मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ सकती है। और बेसिकली जो भी हम फसल करते हैं तो उस फसल में सबसे बड़ा रोल होता है खेत की मिट्टी की हेल्थ सही रहना। तो अगर खेत की मिट्टी की हेल्थ सही रहेगी तो उसमें अच्छी फसल पैदा होगी। तो अभी बारिश स्टार्ट होने वाली है कुछ ही दिनों के अंदर, तो उससे पहले अगर आप एफसीआईटी खेतों के अंदर डालते हैं तो आपको बहुत बढ़िया मुनाफा मिलेगा। तो चलिए अपन एक डेमो के माध्यम से जानते हैं। दो डेमो में आपको दिखाऊँगा, एक तो इस गत्ते के ऊपर करके दिखाऊंगा और एक मिट्टी के ऊपर करके दिखाऊंगा। तो आपको समझ में आएगा कि एफसीआईटी का क्या रोल है और किस तरह से हम खेतों की मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी कर सकते हैं। क्योंकि हर किसान चाहता है भाई खेतों की मिट्टी अच्छी रहे तो उसमें फसल भी अच्छी हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। इसको आप एक खेत मान सकते हो जिसमें अभी आपने फसल काट ली है और अभी खाली खेत पड़ा है। अब इसमें सिंचाई का दौर शुरू होगा और पहले सिंचाई यानी कि बारिश होगी खेत के अंदर। तो ये दो खेत है, एक इधर खेत है और एक इधर पड़ोसी वाला खेत है। तो अपन इसमें क्या करते हैं, पहले एमवे एफसीआईटी की अपन बात कर रहे हैं तो एमवे एफसीआईटी का स्प्रे करते हैं खाली खेत के ऊपर। हम सब लोग यही बोलते हैं, एमवे डिस्ट्रीब्यूटर जो भी या एफसीआईटी पे जो भी काम करते हैं सब यही बोलते हैं कि पहले आप सिंचाई से 12 घंटे पहले एफसीआईटी का स्प्रे करवाएं। तो यहाँ पे क्या रोल रहता है एमवे एफसीआईटी का, ये अपने इस खेत के अंदर अपन एफसीआईटी की स्प्रे करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने खाली खेत के ऊपर स्प्रे कर दिया है, ठीक है। अब अपन देखते हैं भाई जो पड़ोसी वाला खेत है उसके ऊपर जो है सिंचाई होगी। यहाँ पे अपन ने खाली खेत के ऊपर करेंगे तो यहाँ पे पड़ोसी वाले खेत पर साधारण अपन करते हैं। तो यहाँ पे ये है पड़ोसी का खेत या अपना ही खेत मान सकते हो, दो खेत अपन ने लिया। तो भैया अब इसके ऊपर भी अपन एफसीआईटी वाले के ऊपर स्प्रे करते हैं। ये लो जी, दोनों के ऊपर अपन ने सिंचाई कर दी। अब दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ दिख रहा होगा आपको, इस खेत में हमने एफसीआईटी का खाली खेत पे स्प्रे करवाया और फिर बाद में बारिश हुई तो जितना पानी था वो इसमें एब्जॉर्ब हुआ और उसमें नमी अच्छी रही। और इधर जो है अपन ने स्प्रे यानी खाली खेत के ऊपर जो है ये देखिए बारिश हुई तो इसमें पानी ऐसे कैसे खड़ा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एफसीआईटी अगर आप देते हो खेत के अंदर, खाली खेत के अंदर, तो उस मिट्टी की सोखने की क्षमता अच्छी हो जाती है। आपको मैं पास में ले जाके दिखाता हूँ, दिख रहा है आपको नज़दीकी से, ये इस खेत में नमी लंबे समय तक रहेगी और पानी नीचे गहराई तक जाएगा जिससे जड़ भी नीचे तक जाएगी। जहाँ तक पानी जाता है वहाँ तक फसल की जड़ जाती है। जितना नीचे पानी गया है उतनी ही जड़ जाएगी, उतनी जड़ जाएगी तो जड़ गहरी बनेगी और गहरी बनेगी तो फसल अच्छी बनेगी। खेत की जो मिट्टी है उसका स्वस्थ रहना जरूरी है। ये एफसीआईटी मिट्टी को सोखने की क्षमता बढ़ा देता है। चाहे मिट्टी कोई सी भी हो, चाहे बालू रेत हो, चाहे कोई सी भी हो। अभी मैं आपको बालू रेत के ऊपर भी डेमो करके दिखाता हूँ। सबसे पहले जो पानी है वो कितना फास्ट अंदर जाता है और पानी का सदुपयोग भी आप कर सकते हो। सदुपयोग यानी कि कम पानी में भी आप अच्छी फसल ले सकते हो। तो चलिए अपन शुरू करते हैं, दूसरे डेमो को अपन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट डेमो बालू रेत के ऊपर। और ये बालू रेत क्यों लिया है मैंने, क्योंकि बहुत सारे किसानों का सवाल होता है कि भाई हमारे तो बालू रेत है ऐसे ही पानी नीचे तक जाता है। तो चलिए अपन चेक करते हैं, ये पानी का स्प्रे करते हैं। दो कटोरी में बालू रेत ली है अपन ने और इसमें सादा पानी का स्प्रे हुआ है क्योंकि उसके ऊपर भी अपन स्प्रे करेंगे, इसलिए इसके ऊपर स्प्रे करा है। चलिए दूसरे के अंदर अपन एफसीआईटी ऐड करके और 12 घंटे पहले उस खेत के अंदर स्प्रे करवा देते हैं, यही अपन बोलते हैं किसानों को। तो इस डेमो से आपको समझ में आएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को आप किसानों के पास में फॉरवर्ड करें ताकि पानी का सदुपयोग हो सके। यहाँ पे बारिश के 12 घंटे पहले अपन इस खेत के अंदर स्प्रे कर रहे हैं एफसीआईटी प्लस पानी का, है ना, मिक्स करके। अब दोस्तों, दोनों खेतों में अपन सिंचाई करते हैं यानी बारिश करवा देते हैं, समान बारिश, 5-5 चम्मच। यहाँ पे 5-5 चम्मच इसके अंदर डालते हैं दोनों कटोरियों में। तो इसमें जो है आपको पता चलेगा कि कितना सदुपयोग हो रहा है बालू रेत के अंदर भी, क्योंकि बहुत सारे किसानों का सवाल होता है भैया हमारे बालू रेत है और हमारे को ज़रूरत नहीं है।
तो यहाँ पे चलिए देखते हैं उल्टा करके कि नीचे तक पानी किस में गया है, साधारण में या FSA-80 में। FSA-80 क्या वाकई में सोखने की क्षमता प्रदान करता है मिट्टी को? तो दोस्तों अच्छी गुणवत्ता के लिए आप FSA-80 का इस्तेमाल कर सकते हो, और ये FSA-80 वाली कटोरी है और ये साधारण कटोरी है। चलिए इसको उल्टा करते हैं और इसमें आपको इस डेमो को देखने के बाद में आपको समझ में आएगा। मेरे को तो दोस्तों बहुत अचंभा हुआ ऐसा डेमो फर्स्ट बार में जब मैं करा था। तो चलिए ये साधारण है और ये FSA-80 वाली है। अब दोस्तों ये देखो आप, ये साधारण जो पानी था ये नीचे ही ऊपर ही रह गया, यानी बाप बन के उठ गया, कुछ पानी नीचे गया, और यहाँ पे जो है FSA-80 वाला नीचे तक गया है, जिसमें जड़ भी नीचे तक जाएगी और जड़ अच्छी तरह से फैलेगी, मिट्टी को ढीली कर देता है ना, जिससे जड़ फैलती है बढ़िया। तो इस तरह से आप इसमें बढ़िया रिजल्ट ले सकते हो, पानी का सदुपयोग कर सकते हो और मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ा सकते हो। तो फ्रेंड्स अपनी बात चल रही थी कि मिट्टी की गुणवत्ता कैसे बढ़ाएं, मिट्टी को उर्वरकता कैसे लाएं और उसकी सोखने की क्षमता कैसे बढ़ाएं। तो मुझे उम्मीद है इस दोनों डैमों को देखने के बाद में आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम मिट्टी की सोखने की क्षमता बढ़ा सकते हैं, कैसे मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं और पानी का सही सदुपयोग कैसे कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे किसानों के पास में पानी बहुत है लेकिन वो पानी सही ढंग से प्रॉपर काम में नहीं लिया जा रहा। FSA-80 जो है पानी को भाप बनने से रोकता है, और जैसे ही पानी अपन FSA-80 के साथ में ऐड करते हैं तो उसको गहराई तक लेके जाता है। जितना गहराई तक पानी जाएगा उतनी गहराई तक जड़ जाती है फसल की, जिससे फसल अच्छी ग्रो होती है। और दूसरा फायदा और है, अगर जड़ अच्छी बनती है तो फसल को आड़ा गिरने से रोकती है। तो दोस्तों उम्मीद है आप सब लोग इस FSA-80 का लाभ लेंगे और किसान भाइयों के पास में इस वीडियो को फॉरवर्ड करेंगे ताकि किसान भाई भी इसका लाभ ले पाए। और सबसे बड़ा जो है सवाल है, FSA-80 अदरवाइज जगहों से ले लेते हैं तो आप लोगों को अगर ओरिजिनल प्रोडक्ट लेना है तो कंपनी की वेबसाइट से लेवे www.mba.in से, या फिर किसी वेरीफाइड MBA डिस्ट्रीब्यूटर से लेवे। और फिर भी अगर आपका कोई जानकार नहीं है तो मेरे पास आप कॉल कर सकते हो, मैं आपको डायरेक्ट कंपनी से दिलवा सकता हूँ। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट लौटते एक नए वीडियो के साथ में। और आप सब लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आए सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। ऐसे वीडियोज़ हम लाते रहते हैं। थैंक यू।